आज मैं बहुत मुतमइन हूं, शायद इसलिए कि आपको हकीकत बताने वाला हूं। कांधे से बोझ तो हल्का हो गई, लेकिन कहानी सुनाने से पहले चाय या कॉफी? तुम बैठे हो ना, बना के चाय बनाऊंगा तो मैं खुद। साथ देना चाहती हैं तो आ जाइए। एक बात बताऊं आपको, मेरे दिल और मेरे जहन की बचपन से लेकर आज तक बड़ी कामयाब पार्टनरशिप रही है। बल्कि आप यूं समझ लीजिए कि मेरा जहन मेरे दिल का मुर्शिद है। मेरे दिल ने कभी मेरे जहन की कोई बात नहीं टाली, लेकिन आज मेरे दिल ने मेरे जहन को मना लिया है। बेगम साहिबा, मेरी किताब में भरोसा नाम का कोई लफ्ज ही नहीं है, लेकिन मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं। और एक और बात, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगी कि ये सब कुछ क्यों किया गया। नहीं पूछूंगी। जब हमारे दरमियान शक की दीवार टूट जाएगी ना, तुम खुद बताओगे मुझे सब कुछ। जिस दिन आपकी शादी थी उस दिन बहुत बड़ा मौका था। देखिए साहब, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जगह ये बात करने के लिए मुनासिब नहीं है। अगर किसी ने सुन लिया तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। कोई कैसे सुनेगा? क्या सिर्फ हम दोनों हैं? वहां भी हम हैं, यहां भी हम हैं। ये ठीक कहा आपने। तो मैं अगर कोई तीसरा यहाँ आ गया और उसने सुन लिया तो? कोई कैसे आएगा? बाहर का दरवाजा भी लॉक है। जी भी ठीक कहा आपने। आपकी शादी में इतने बाराती नहीं थे जितने बाहर के लोग थे। चारों तरफ फील्डिंग लगा दी गई थी, याद है आपको? आप कमरे में अकेली दुल्हन बनी बैठी थी, कोई कमरे में आया और हम बेहोश हो गए। बल्कि आप छोड़े, मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। आप यहां आइए मेरी जगह, यहां आइए बैठिए। क्यों? आइए ना, कुछ दिखाता हूं, बैठिए। आंखें बंद करें। और अभी कुछ बताना बाकी है क्या? आप सोच रही होंगी कि आपके घर वालों ने इस बात पे यकीन कैसे कर लिया कि आप घर छोड़कर भाग गई हैं। वो इसलिए कि जिस कमरे में आप दुल्हन बनी बैठी थी, वहां से एक और औरत वही दुल्हन का जोड़ा पहन के बाहर निकली जो आपने पहना था। तो कैसे नहीं मानते वो कि आप घर छोड़कर भागे हैं? इस बात का सिर्फ मुझे और आपको पता है, और कोई नहीं जानता। बस फिर आगे की कहानी यह है कि आपको बेहोशी की हालत में थाने छोड़ा गया और फिर आपको घर पहुंचा दिया गया। इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कहता था कि मैं कहता हूं कि आप बेकसूर हैं, आपका कोई गुनाह नहीं। किसी को इस बात की खबर नहीं है कि जो कुछ किया है वो मुरीद ने किया है। मैं इतराफ करता हूं, सब कुछ मैंने किया है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अभी सिर्फ इतना भरोसा किया है मैंने आप पे बेगम साहिबा,
और मैंने जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। मेरा भरोसा मत तोड़िएगा।